नोएडा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब ड्रग्स तस्करी कर रहे दो युवक और एक युवती को पुलिस ने दबोच लिया। तीनों रेप पार्टियों में नशे की गोलियों को सप्लाई करते थे। आरोपियों के पास से बरामद ड्रग्स की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ पुलिस एक्शन जारी है। इसी के तहत नोएडा फेज 3 पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में 3 तस्करों को धर दबोचा। इनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ड्रग्स की 289 MDMA गोलियां बरामद की, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी रेव पार्टी में इन गोलियों का इस्तेमाल करने वाले थे। इन गोलियों को हाई फाई पार्टियों एलीट क्लासेस को सप्लाई करने वाले थे। पुलिस के मुताबिक हाई फाई पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 3 तस्कर पुलकित, अभिषेक चौहान और पूजा गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक और पूजा प्रेमी प्रेमिका हैं। पूजा के घर से नीदरलैंड और अफगानिस्तान कोरियर के कुछ लिफाफे भी मिले हैं। इसके बाद इस मामले की इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन से पड़ताल की जा रही है। देखिए, कल शाम को एक मुखबिर ने सूचना दिया था कि एक लड़का है जो नशीली गोलियों की सप्लाई करता है। इस पर हमारे ACP ने, एडिशनल DCP ने और थाना अध्यक्ष ने पूरी कार्रवाई की, तो जो लड़का पकड़ा गया। उसके पकड़ने के बाद सेक्टर 61 के एक मकान में दबिश दी गई, जहां से हमें 289 MDMA नामक एक ड्रग है जिसकी गोलियां मिली हैं। और इसमें एक लड़की और उसका एक फ्रेंड और ये जो सप्लायर था, ये पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड सूर्यान समेत 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसकी नोएडा पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना सूर्यांश है, जो BMW समेत अन्य लग्जरी वाहनों से चलता है। इसके अलावा प्रणय और दिव्य इनके साथ जुड़े हैं। थाना फेज 3 पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कई दिनों से जो नोएडा की पुलिस थी, जो थाना फेज 3 की पुलिस थी, वो नशे का कारोबार करने वालों को गिरफ्तारी के करने के प्रयास में लगी हुई थी। लगातार उनको सूचना मिल रही थी कि बड़ी बड़ी रेव पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। अभी इसमें 3 लोग फरार चल रहे हैं, जो इसमें मास्टरमाइंड है सूर्यांश, अभी वो फरार है। उनके जो उसके दो साथी हैं वो भी फरार चल रहे हैं। और जो इनके जहाँ से इनकी गिरफ्तारी की गई है, तो वहाँ से कोरिया के और अफगानिस्तान के लिफाफे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल गिरोह का भी इनसे तार जुड़ सकता है, तो उसको भी पुलिस खंगालने में लगी हुई है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं, इसकी जानकारी जुटा रही है पुलिस। बताया जाता है कि यही लोग पूजा तक ड्रग्स पहुंचाते थे। बड़ी बड़ी रेव पार्टियों में आरोपी युवती साल भर से रेव पार्टियों में इस्तेमाल होने वाले MDMA ड्रग्स की सप्लाई करती थी। उसके साथ प्रेमी अभिषेक चौहान और एक अन्य साथी पुलकित भी शामिल है। आरोपी एक गोली को बेचने का 1000 चार्ज करता था। इससे उनकी महीने की कमाई लाखों में हो जाती। छापेमारी के दौरान नशीली गोलियां जो बरामद हुई हैं, उनकी मार्केट में कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। जो ग्रोथ था, जो नशा का कारोबार करता था, क्यों लड़के युवाओं को और लड़कियों को जो नशे का कारोबार था, ये ड्रग्स देते थे, बड़ी बड़ी रेव पार्टियों में जाते थे और ड्रग्स सप्लाई करते थे। लगभग एक साल से इस धंधे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने इनको पार्टी से धर दबोचा है। कैमरा अमित के साथ विवेक दीक्षित, नेटवर्क नोएडा।